हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है, दी गई ऑप्शंस में से एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल कौन से नहीं है। तो हमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए वॉम्बैट, नंबर फ्लाइंग फैलेंजर्स, ऑप्शन बी डार्विन फिंचेस, ऑप्शन सी डिफरेंट मैमल्स इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ऑप्शन डी लेमर एंड स्पॉटेड कसकस। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइजियोग्राफिकल एविडेंसेस। हाइजियोग्राफिकल एविडेंसेस बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब जैसे कि एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म ड्राइव किससे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से, लेकिन उनमें लोकेशन चेंज होने की वजह से उनके हैबिटेट चेंज हो गए और उनकी फूड हैबिट चेंज हो गए और इसी तरह से उनकी हैबिट्स भी चेंज हुई हैं। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया एडेप्टिव ट्रेडिशन किसके कौन से एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है वोम्बैट, नोम्बैट एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स। तो ये वोम्बैट, नोम्बैट, फ्लाइंग फैलेंजर्स ये क्या है, ये है मार्सुपियल मैमल्स। ये मार्सुपियल मैमल्स हैं, मार्सुपियल मैमल्स हो गए तीनों के तीनों, तीनों ही मार्सुपियल मैमल्स हैं और तीनों के फंक्शन सेम हैं, लेकिन इनमें और ये तीनों क्या हैं, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। ये मोस्टली क्या होते हैं, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों सिमिलर हैं तो ये एडेप्टिव प्रेडिक्शन को तीनों शो नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें यही मार्क करना है जो एडेप्टिव रेडिएशन शो नहीं करते। ऑप्शन बी में दे रखा है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस क्या थे, डार्विन फिंचेस क्या था, डिफरेंट बीक मॉडिफिकेशन थे बर्ड्स में, डिफरेंट बीक किसमें थे, बर्ड है बर्ड्स में, डिफरेंट बीक ऑफ बर्ड्स, लेकिन उनके क्या थे, कॉमन एंसेस्टर थे, कॉमन, लेकिन उनके डिफरेंट बीक के स्ट्रक्चर क्यों डिफरेंट थे, क्योंकि उनके डिफरेंट क्या थे, डिफरेंट फूड हैबिट्स थे, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सी कुछ क्या थे, इंसेक्टिवोरस थे, इंसेक्ट्स पर फीड करते थे, कुछ सीड्स पर, कुछ पेडेटरी पार्ट जैसे कि फ्रूट्स। इस तरह से उनके बीक में मॉडिफिकेशन हुआ, इस तरह से ये क्या हो गए, ये एग्जांपल हो गए एडेप्टिव रेडिएशन के, इन्हीं को क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, डार्विन फिंचेस। उसी तरह डिफरेंट मैमल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डिफरेंट मैमल्स कौन कौन से होंगे, मार्सुपियल मैमल और कौन से होंगे, प्लेसेंटल मैमल। तो ये अलग अलग दोनों के फीचर्स हैं, लेकिन अपने लोकेशन के हिसाब से, यानी कि जो मार्सुपियल मैमल्स को कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी के अदर मैमल प्लेसेंटल मैमल अदर पार्ट्स में मिलते हैं। तो यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उनमें क्या हुए, एडेप्टेशन हुए और चेंजेस आए। तो ये भी क्या हो गए, एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल हो गए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह लैमर और स्पॉटेड कसकस की बात करें, तो लैमर क्या है, लैमर जो है वो है प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल है। और बात करें हम किसकी, स्पॉटेड कसकस, स्पॉटेड कसकस, स्पॉटेड कसकस क्या है, यह है मार्सुपियल मैमल, मार्सुपियल मैमल। तो ये दोनों क्या है, मैमल है, यानी कॉमन फीचर्स हैं इनके, लेकिन इनके अंदर अलग अलग एडेप्टेशन आई, ये प्लेसेंटल मैमल हो गए और ये मार्सुपियल मैमल्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन ई वोम्बैट, नोम्बैट एंड फ्लाइंग फैलेंजर्स। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.